Hello, my dear student. How to score 100% in math subject? हो सकता है मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो और नहीं तो मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन सकता है. किस तरह से मैथ्स में पढ़ाई की जाए कि मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए. मेरा भी मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है. तो बेटा ये पांच चीजें मैं आपको पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे बताने वाली हूँ जो अगर आपने शुरू से ध्यान रखे तो मैथ्स में आपको 100% स्कोर करने में कोई नहीं रोक सकता. क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा इजीली पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आ सकता है. उसकी साल भर की मेहनत का फल उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट की तौर पे मिल सकता है. सो नंबर वन, क्या वो टिप है? सो आपकी टिप नंबर वन है कि आपको स्टार्टिंग से ही अपनी मैथ्स के अंदर फॉर्मूला नोटबुक एक अलग रखनी है जिसके अंदर आपने थ्योरम्स, फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखते हुए चलना है. वो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी. हमेशा एग्जाम से पहले सारे फॉर्मूला रिवाइज करने में, सारे की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करने में प्रैक्टिस नोटबुक आपको अलग रखनी है. तो दिस इज द नंबर वन टिप जो आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है. अगर आपका अभी सेशन एंड चल रहा है और आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी जब आपके पास रिवीजन का टाइम है या 4 to 5 दिन का गैप है तो उसमें आप कुछ भी शॉर्ट नोट बना सकते हो. एक नोटबुक के अंदर अपने सारे फॉर्मूलाज लिख सकते हो. नहीं तो ईसरल के माइंड मैप एज अ शॉर्ट नोट आपको मिल जाएंगे. दिस इज फ्रीली अवेलेबल ऑन ईसरल ऐप, राइट? अब नंबर टू पॉइंट क्या है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है? जब भी आप प्रैक्टिस करो अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में या फिर कोई मॉक पेपर, सैंपल पेपर आप दे रहे हैं या फिर आपने स्कूल में एग्जाम दिया और आपको आंसर शीट मिली है, आपको हमेशा अपने ही किए हुए क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से एज अ एग्जामिनर के नजरिए से, कॉपी चेकर के नजरिए से खुद से चेक करने हैं. ये आपको बहुत हेल्प करेंगे. जब भी आप सिली मिस्टेक करते हो वो इजीली पकड़ में आ जाएगी और अगर सिली मिस्टेक पकड़ ना आ गया आपको तो आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो. तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमेशा अपने किए हुए क्वेश्चंस को एज एन एग्जामिनर, एज एन कॉपी चेकर आपको खुद से चेक करना आना चाहिए. ओके, टिप नंबर थ्री, मैथ्स में जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनके अंदर एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल रहते हैं कि इस पैटर्न पे आपने 4 to 5 क्वेश्चंस अवेलेबल है. एनसीईआरटी में, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, अगर आप बुक रेफर करते हो तो सब में एक पर्टिकुलर पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस ये होते हैं. तो आपको ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन सॉल्व करके भाई हा गया मुझे तो समझ में आ गया, नहीं. आपको उस क्वेश्चन पे डिफरेंट वैल्यूज लेके या फिर उसके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अनटिल अनलेस आपको 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता. क्योंकि अगर आपने उस पे रिपीटेडली प्रैक्टिस करी तो आपके अंदर उसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस पैटर्न के क्वेश्चन आप कर सकते हो. कई बार ऐसा होता है हमने किसी क्वेश्चन को आज से 15 दिन पहले किया था तब हमें आ गया था, लेकिन 15 दिन बाद हमने उस क्वेश्चन को उठाया तो हमें सेम क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता. लेकिन अगर आपने उसकी डिफरेंट वैल्यूज लेके या सेम पैटर्न पे 4 to 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं और उनको ऑब्जर्व भी कर लिया है टिप नंबर टू के थ्रू, तो आप हमेशा के लिए उस क्वेश्चन का पैटर्न समझ जाओगे और आप कभी नहीं भूलोगे इन टाइप के क्वेश्चंस को करना, ठीक है? सो फोर्थ नंबर की टिप है माय डियर स्टूडेंट कि आपको जब भी मैथ्स का कोई भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करते हो तो आप कैलकुलेशन को कभी रफ में करते हो, कुछ मल्टीप्लाई करना है, कुछ डिविजन करना है, किसी में सब्ट्रैक्शन है तो वो आप एक रफ में किचर पुचर करके इधर उधर लिख देते हो, वैसे नहीं करना है. आपको अपना रफ वर्क भी एज अ फेयर वर्क करना है, सिस्टमेटिक, ताकि आपको कहीं क्वेश्चन में आप अटक गए हो, कहीं समझ में नहीं आया तो अपने रफ वर्क को, रफ कैलकुलेशन को इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओ, देख पाओ, समझ पाओ और वहां से उसे करेक्ट करके न्यू वैल्यूज ले पाओ. नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है दोबारा से उसकी कैलकुलेशन करने में. तो रफ वर्क भी आपको एज अ फेयर वर्क ही करना है, साइड में उसको ब्लॉक बना के लिख सकते हो रफ वर्क, राइट? नंबर फिफ्थ टिप है मैथ्स में प्रेजेंस ऑफ माइंड, फुल कॉन्सेंट्रेशन. अक्सर बच्चे वर्ड प्रॉब्लम करते वक्त गलती करते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन में से जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है, जो राइट इन्फॉर्मेशन होती है वही गलत पढ़ लेते हैं, गलत समझ लेते हैं. अगर आपने गलत समझ लिया क्वेश्चन को, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं था उस टाइम पे, तो आप
स्टार्टिंग से ही गिवन वैल्यूज, लेट देम वैल्यूज, ये सारी अज्यूमिंग गलत कर देते हो, आपकी सारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एलिवेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल आपने मानने में गलती कर दी, तो आप क्या करोगे, पूरा डायग्राम अगर आपका गलत है तो आपका आंसर भी रॉन्ग आ जाएगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है मैथ्स में हमेशा, कैलकुलेशन करने के लिए भी आपको फुल कॉन्सेंट्रेशन करना है, फोकस माइंड के साथ पढ़ना है, ऑब्जर्वेशन आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। सो ये 5 टिप्स आपको ध्यान रखनी है और आई होप मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा अगर आप मैथ्स से थोड़ा सा डरते हैं। सो लव फॉर मैथ्स, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द वीडियो।